दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं कॉर्फबॉल दिल्ली कॉर्फबॉल टूर्नामेंट के लिए। यहाँ पे स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ टूर्नामेंट हुआ, दिल्ली स्टेट का फाइनल मैच हुआ है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविराज, जो सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली अमेचर कॉर्फबॉल एसोसिएशन के। तो आइए डिटेल जानते हैं टूर्नामेंट के बारे में। सर, क्या टूर्नामेंट के बारे में सर, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी कॉर्फबॉल की, फर्स्ट हमने करवाई है। तो ये फर्स्ट जूनियर दिल्ली स्टेट कॉर्फबॉल चैम्पियनशिप हुई है भारत नेशनल के प्रांगण में। इसमें से टीमें बन के आगे चुन के नेशनल्स के अंदर क्वालिफाई करेंगी, जिनका कैंप लगाया जाएगा भारत नेशनल पब्लिक स्कूल के अंदर ही। अभी कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? जैसा कि इस टीम हमारे यहाँ पे 6 टीमों ने डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था। लीग कम नॉकआउट मैचेस हुए हैं, आज सारे नॉकआउट मैचेस थे, जिसमें से फाइनल आप लोगों ने कवर किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आगे क्या और दिल्ली में इसके अलावा और टूर्नामेंट करवाने का विचार है, या साल में एक स्टेट टूर्नामेंट ही करेंगे? नहीं सर, जैसे कि अभी क्या है कि हमारा नई एसोसिएशन है, तो हम इसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं हमने। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोऑर्डिनेटर्स को बुला के उनको टूर्नामेंट्स कराने के लिए बोलें, ताकि स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स आ रही हैं वो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कॉम्पिटिशन करा के टीम सेलेक्ट करके स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो बच्चे यहाँ से कोई नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने वाले हैं? जी सर, पिछले 8 साल से दिल्ली पार्टिसिपेट कर रही है कॉर्फबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में। यहाँ से भी अभी जूनियर कॉर्फबॉल नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है। तो जैसे ही आएगा इसमें से प्रोबेबल सेलेक्ट होंगे, हमारी टेक्निकल कमेटी थी जिसमें प्रोबेबल्स को सेलेक्ट किया है, उनका कैंप लगाया जाएगा नेशनल के लिए। थोड़ा सा गेम के बारे में बताएं, हम देख रहे हैं कि इसमें एक टीम में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, क्या मिक्स इवेंट था या बॉयज़ गर्ल्स अलग होगा, क्या है, थोड़ा सा बताएं। सर, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा गेम है जहां पे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। आप दूसरे किसी भी गेम में जाएंगे तो वहां पे आपको बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट टीम्स मिलेंगी, बट ये गेम ऐसा है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ में खेलते हैं। तो देखा आपने, अभी कॉर्फबॉल का टूर्नामेंट हुआ यहाँ पे दिल्ली स्टेट का, और ये पहली गेम, जैसे रवि राज जी ने बताया, पहली ऐसी गेम है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और आने वाले टाइम में जो है इसके नेशनल भी होंगे, तो हम आपको नेशनल भी ले आएंगे। रवि राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए।